Alright, so here we are with question number 7, which says find the inverse of the function fx such that fx is equals to ln x square plus 3x plus 1, where x goes from 1 to 3 and assuming it to be a non-two function. Alright, so I've got two questions with me here. One is, how do we find the inverse of a function? Tell me that. Inverse of a function find karne ki do bahut basic steps hoti hain. फर्स्ट स्टेप होती है उसमें हम x को y के टर्म्स में लिखते हैं जैसे इधर एफ एक्स दिया है वो एक y है तो x को हम पहले y के टर्म्स में लिखेंगे देन वी विल गो टू द सेकंड स्टेप हम इधर x को y लिखेंगे और y को x से रिप्लेस करेंगे तो फिर हम जैसे रिप्लेस करेंगे देन हमें फाइनली रेंज और डोमेन चेक करनी होगी इनवर्स के लिए अगर हम पहले x को y से रिप्लेस कर दें और बाद में x को y के टर्म्स में लिख दे तो नहीं तो वो तो फंक्शन ही जो हमें गिवन फंक्शन है वही पूरा चेंज हो जाएगा ऐसा कर ही नहीं सकते एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली सो हम इन स्टेप्स को वन और टू एक के बाद एक ही करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम एफ एक्स को y के टर्म्स में लिखते हैं राइट और उसके बाद x को y के साथ रिप्लेस करते हैं राइट ऑल्सो टू सो टू हैव एन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इट्स इंपॉर्टेंट कि फंक्शन वन वन और ऑन टू हो तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है अगर फंक्शन वन वन नहीं होगा मैनी वन होगा तो जब उसका हम इनवर्स निकालेंगे तो फिर वो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं होल्ड करेगा जैसे मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ जैसे एक सेट है ए इसमें एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड ये एक बी सेट है इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 अब जैसे एक्स वन है इधर वाई टू है और जेड भी टू है अगर ये हमने ए से बी डिफाइन कर रहे हैं हम एफ एक्स अगर इनवर्स डिफाइन करेंगे तो हम बी से ए डिफाइन करेंगे तो बी से ए डिफाइन करेंगे तो वो एफ ऑफ टू हम वाई लेंगे या जेड हमें पता ही नहीं है right. तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं होल्ड कर रहा है ओके फंक्शन की डेफिनेशन है कि हर एक एफ एक्स का एक वैल्यू होना चाहिए फॉर एवरी एक्स राइट अच्छा बट फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है अगर तो उसके एक एक्स में हमारे पास दो वाई आ रहे हैं तो हाउ इज दैट वो फंक्शन ही नहीं है वो इक्वेशन है So that's not a function at all. That's an equation. Okay, so that's a graphical representation of some equation. Whereas for a function, it's important and it's compulsory that for every x, there is only one fx. Right? Okay, alright. And alright. Okay, so let's go ahead and find the inverse of this function. Yeah, first, agar function ko 1 1 hona chahiye, to main 1 1 check karna padega function hai ya nahi. Varna inverse exist hi nahi karega. Okay. So 1 1 find karne ke liye humne f dash x nikala. एफ डैश एक्स होगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू 1 से 3 तो 1 से 3 में एफ डैश एक्स हम देख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होगा है. इसका मतलब एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा इसका मतलब वो 1 1 होगा वो 1 1 होगा राइट ओके देन हम अब x को y के टर्म्स में निकालेंगे तो हमारा y है ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब हमें x को y के टर्म्स में निकालना है तो e की पावर y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में तो हम इसको सिंपल वो फार्मूला यूज वेट तो हमने 1 1 तो उसको प्रूव कर दिया व्हाट अबाउट द ऑन टू इज गिवन इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन ओके ऑलराइट ग्रेट ओके तो हम ये क्वाड्रेटिक x में तो x का जनरल फार्मूला यूज करेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो उससे x आएगा हमारा माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 5 प्लस 4 ई वाई अपॉन 2 अब इधर हम x को y से रिप्लेस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x को y से रिप्लेस करा तो ये आ गया y इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 5 प्लस 4 ई एक्स बाय 2 अब इधर दो केसेस बनते हैं ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें प्लस माइनस दोनों exactly, दिया हो right. एक प्लस हो एक माइनस हो पर हमें चेक करना होगा जैसे हमें क्वेश्चन में fx की डोमेन दी हुई है x बिलोंग्स टू 1 से 3 x बिलोंग्स टू 1 से 2 3 ऑलराइट ओके तो फिर f इनवर्स x का है ना वो रेंज होगा f इनवर्स x का जो रेंज है y है जो आउटपुट है उसका exactly. वो 1 से 3 होना चाहिए एग्जैक्टली तो अगर इधर माइनस साइन कंसीडर 1 से 3 होना चाहिए राइट तो इधर माइनस साइन अगर इधर कंसीडर करा तो हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस ऑफ रूट ओवर 5 प्लस 4 ई एक्स बाय 2 जो कि पॉसिबल नहीं है हाँ ये हमेशा नेगेटिव ही होगा ये तो फिर 1 से 3 तो लाइन नहीं करेगा exactly, तो हमारा पॉजिटिव वाला आंसर होगा काट दो उसको हाँ ये हमारा फाइनली एफ इनवर्स एक्स होगा ओके ऑलराइट
So that's our answer. Yeah. So in this particular question, what we learned was, one, why is it important to have a one-one onto function to have an inverse? And we also learned ki kis tarah hume inverse nikalna hota. To inverse nikalne ke liye sabse pehle fx ko y ki terms mein likhenge. X को y की टर्म्स में लिखेंगे और उसके बाद हम x और y को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे. ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच सेज इफ fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos x प्लस पाई बाय 3 एंड g ऑफ 5 बाय 4 इज इक्वल टू 1 देन g ऑफ x इज इक्वल टू A, B, C, D, we have got the options. Now, what I see the problem is here is that we have been given fx, हमारे पास fx है, लेकिन gx की gx नहीं है. एक particular x पे gx की value है, लेकिन gx नहीं है. हाँ, तो अब इसको हम कैसे solve करेंगे? अब जैसे fx हमने पहले ही observe करा, देखते से ही question को, कि fx एक trigonometric form में दिया हुआ है. तो एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एफ एक्स दिया होगा तो हम उसको है ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को. ओके, तो इधर एफ एक्स को हमने सिंप्लीफाई करा साइन स्क्वायर एक्स प्लस इधर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये उसका होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए. अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. अब इसको हम फिर से सिंपलीफाई, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? एक तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे तुमने लिख दिया, या उसके बाद साइन स्क्वायर, इसके लिए तो स्क्वायर को कॉमन ऊपर ले लिया और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है. ओके, और इधर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया. ओके, देन इसको सिंपलीफाई करा, cos square x by 4 plus sin x cos x root 3 by 2 plus cos square x by 2 minus sin x cos x root 3 by 2. Right. अब ये दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो हम कैंसिल कर देंगे. देन हम और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 5 by 4 equal to, है ना, ये this is equal to that. Yeah. साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 बाय 4 कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, तो ये 5 बाय 4 कॉमन आ गया और इधर हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया. हमें पता होता है साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये तुमने 2 लिख दिया. या दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है. ओके, तो ये हो गया 5 by 4. तो हमारा fx हमेशा कांस्टेंट फंक्शन आ गया 5 by 4. ओके, और हमें g ऑफ fx की वैल्यू पूछी है. तो g ऑफ fx, fx 5 by 4 है तो g ऑफ 5 by 4 हमें वैल्यू दी हुई है 1. एग्जैक्टली, तो डायरेक्टली हम मार्क कर सकते हैं. ब्रिलियंट. अगर इस क्वेश्चन में एक और ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं हो लास्ट में बहुत 30 सेकंड्स हो देन वी कैन डायरेक्टली मार्क g ऑफ 5 by 4 देख के डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं ऑप्शन. राइट, बिकॉज और कोई तरीका होगा नहीं, क्योंकि नहीं वो कांस्टेंट ही है. एग्जैक्टली, और हाँ एग्जैक्टली, अगर g ऑफ 5 by 4 इक्वल टू 1 दिया और हमारे पास और कोई तरीका है नहीं gx निकालने का, तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, बट दैट इज द केस ओनली व्हेन यू हैव द स्कोप फॉर टेकिंग अ चांस. अगर हम चांस लेना चाहते हैं, या देयर इज नो नेगेटिव मार्क. एग्जैक्टली. ऑलराइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच वी डिड राइट नाउ. So we have question number 9 with us now, which says let f and g be functions given by fx is equals to minus 1 plus modulus of x minus 1 such that x lies between minus 1 and 3 both inclusive, and gx such that gx is equals to 2 minus modulus of x plus 1 such that x lies between minus 2 and plus 2 both inclusive. Find an explicit representation of f of g. Now, what is the framework of this particular answer? How are we going to approach? पहले f of gx का हमें ये समझना है, explicit representation का मतलब क्या है? Explicit representation है मतलब उसका clear represent करना है f of gx किस domain में क्या function है. तो हमें इसका पहले start करेंगे. इधर हमें fx और gx दोनों function define है. तो fx और gx complicated है, mod की terms में है. तो हमें different domains के लिए उनको पहले f of x और gx निकालते हैं, फिर हम आगे approach करेंगे question. तो हम पहले fx लिखते हैं, fx is equal to, तो क्योंकि इसमें बहुत मॉड्यूलस है तो हमें इसको अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद हम fx की वैल्यू क्लियर तरीके से. हाँ, राइट. ओके, ऑलराइट.
इधर एफ एक्स दिया है माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन. अगर इफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन मॉड पॉजिटिव खुलेगा. तो मॉड इधर पॉजिटिव खोला, माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. अब इधर हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू वन दिया है और एफ एक्स में x की डोमेन दिया है माइनस वन से थ्री. तो इधर हम उससे इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर हो गया x बिलोंग्स टू वन से थ्री. अब दूसरा केस है x माइनस वन लेस देन जीरो, सो वन कॉमा थ्री राइट. या वन इधर x माइनस वन लेस देन जीरो वाला केस है. तो इसमें x लेस देन वन, इस केस में मॉड नेगेटिव खुलेगा, माइनस एक्स प्लस वन. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स. अब इधर हमें x लेस देन वन है, हमें उसका इंटरसेक्शन लेना है एफ एक्स की डोमेन के साथ. तो इधर एफ एक्स की डोमेन के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, वन विल बी ओपन इंटरवल. अब जी एक्स को हम ऐसे ही सेम वे में डिफाइन करते हैं. तो जी एक्स फंक्शन हमने लिखा पहले, जी एक्स इक्वल्स टू टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन. राइट, तो इसमें x प्लस वन इधर ग्रेटर देन जीरो. या हाँ, देयर आर टू केसेस. If x plus 1 is greater than equal to 0, in this case x greater than equal to minus 1, तो mod positive खोलेंगे इसमें 2 minus x minus 1, तो ये हो जाएगा 1 minus x. और इधर x greater than equal to minus 1 का हम gx की domain के साथ intersection लेंगे. तो इधर x belongs to हो गया minus 1 comma 2. अब इधर if x plus 1 is less than 0, If here is x plus 1 less than 0, तो x हो जाएगा less than minus 1. इधर इस केस में mod हम negative खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 plus x plus 1. कौन सा mod खोल रहे हैं हम? x plus 1. Right, yeah. Exactly. तो ये हो जाएगा x plus 3. अब इधर हमें x less than minus 1 का gx की domain के साथ intersection लेना है. तो ये हो जाएगा x belongs to minus 2 से minus 1 open. अब इधर हम एफ एक्स और जी एक्स को अच्छे वे में क्लियरली लिख देते हैं व्हाट आर एफ एक्स एंड जी एक्स. तो एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स माइनस टू, माइनस एक्स इज फॉर डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन ओपन, माइनस वन कॉमा वन, या एंड एक्स माइनस टू इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू वन वन टू कॉमा थ्री. या थ्री इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन. अब हम जी एक्स को भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं सिमिलर वे में. जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, फिर एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन ओपन. और दूसरा है वन माइनस एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू टू, टू इज ऑल्सो इंक्लूडेड. अब हमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना है. तो एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए हमें जो जी एक्स डिफरेंट दिए हुए हैं वो हमें एफ एक्स में पुट करना है. तो हम ऐसा करते हैं, पहले जी एक्स एक्स प्लस थ्री को एफ एक्स में पुट करते हैं. तो हम इधर एफ एक्स में पुट करा एक्स प्लस थ्री, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स. राइट, तो हमें क्योंकि बिकॉज हमें एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन फाइंड करना है, तो हमने एक्स की जगह फाइंड पुट करा एक्स प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री. और इधर हमें डोमेन में भी इधर पुट करना होगा, एक्स प्लस थ्री इज लेस देन वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन. इधर x प्लस थ्री की डोमेन हमें जी एक्स से पुट करा था, तो उसमें x दिया माइनस टू से माइनस वन था. तो हमें x का इंटरसेक्शन लेना होगा उसके साथ, x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस वन के साथ इसका इंटरसेक्शन. अब हम x प्लस थ्री को x माइनस टू में पुट करते हैं. तो x प्लस थ्री माइनस टू, इधर x प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री लेस देन इक्वल टू वन का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन. तो अब इसको हमने सॉल्व करा, इस वाले को हम सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्व करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाता है माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री. और इसका इंटरसेक्शन इधर है एक्स लेस देन माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर. ये इंटरसेक्शन कैसे आया? तो इस वाले केस में हो जाएगा एक्स माइनस फोर टू माइनस टू. राइट, या राइट. इसका इंटरसेक्शन लेना है एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन. राइट, और जो ये वाला केस है हमारा एक्स प्लस थ्री, इस वाले केस में हमें ये x प्लस वन फंक्शन बन गया हमारा. और ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू. इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें x बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन के साथ. राइट, तो अब हमने इसको देखा इंटरसेक्शन. अब इस पार्ट में हमने देखा माइनस फोर से माइनस टू है x,
और उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं माइनस टू से माइनस माइनस वन, राइट। तो इसमें तो कोई एक्स इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली। तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला एफ ऑफ जी एक्स का फंक्शन नहीं होगा, तो इस केस को रिजेक्ट कर दिया। विच वन? द माइनस एक्स माइनस थ्री। हाँ, सो दिस, या सो यू कैन एक्चुअली मेक दिस क्रॉस ऑन दिस वन। या या अब हमारा सेकेंड केस है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन वाला। तो उसमें x प्लस वन में हमने x माइनस टू से जीरो और का इंटरसेक्शन लेना है x माइनस टू से माइनस वन के साथ, राइट। तो उसका इंटरसेक्शन आ गया हमारा x प्लस वन और x जब हमने डिफाइन करा हुआ है माइनस टू से माइनस वन, राइट। अभी हमारा f ऑफ जी एक्स का एक पार्ट आ गया। माइनस वन ओपन है कि क्लोज्ड? माइनस वन इज ओपन, ओपन, राइट। अब हमें जी एक्स का एक और पार्ट बाकी रह गया हमारा, जो हमें एफ एक्स में पुट करना है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। या अब हमें जी एक्स का एक और पार्ट रह गया है जो हमें एफ एक्स में पुट करना है, वन माइनस एक्स को पुट करना है, exactly। या तो पहले वन माइनस एक्स को हमने माइनस एक्स में रखा, तो वन माइनस एक्स को माइनस एक्स में रखेंगे तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वन माइनस एक्स। अब इधर वन माइनस एक्स को हमें डोमेन वाले पार्ट में भी रखना है, जैसे हमने ऊपर करा था अभी, तो हमें इधर ये हो जाएगा माइनस वन का उसका इंटरसेक्शन लेना है हमें, जो हमने एक्स उधर से सिलेक्ट करा है, उधर जो दिया है उससे हमें इंटरसेक्शन उसका लेना है। अब ऐसे ही हमने सेकंड उसमें पुट करा, हमने अभी माइनस एक्स की जगह पुट करा था, अब हमें एफ एक्स का एक्स माइनस टू की जगह पुट करना है वन माइनस एक्स को, right। तो हमने एक्स को रिप्लेस करा उधर, फिर उसकी जगह पुट करा वन माइनस एक्स माइनस टू, फिर हमें वही डोमेन हमें सेटिस्फाई करवानी है, चेक करना है, तो वन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन का इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से टू के साथ लेना है, राइट। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है जस्ट सॉल्व करके, एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा फर्स्ट केस का करस्पॉन्डिंग, तो वहां पे लिख देते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस वन और इधर एक्स माइनस वन, और इन दोनों का हम जब इंटरसेक्शन लेंगे, नहीं अभी उसको सॉल्व करते हैं ना पहले, अच्छा ओके, वन माइनस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। या अब इधर माइनस, ओ या अब इधर हम माइनस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड माइनस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाता है जो हमें right, पता है right। तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन जीरो। तो अब इधर ये हो गया, उसका इंटरसेक्शन हमें लेना है एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से टू के साथ, और जैसे ही सेकेंड केस है उस सेकेंड केस में हो गया माइनस वन माइनस एक्स। अब इसको भी हम ऐसे ही सेम वे में सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करा हमने, ये हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका इंटरसेक्शन लेना हमें एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन, ये इसको कॉमा हम बीच में लगाते रहेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से टू के साथ इंटरसेक्शन लेना है। देन इसको हमने फिर सॉल्व करा, माइनस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया सेम वे में, तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू। तो फाइनली हमें अब जो इन दोनों पार्ट से मिल रहा है, इधर से हमें इंटरसेक्शन देखना है, इधर से हमें एक्स जीरो से टू है और एक में माइनस वन से टू, तो हमारा फाइनली इंटरसेक्शन आया जीरो से टू, जीरो से टू। तो ये एफ ऑफ हमारा जी एक्स अभी जो ऊपर चल रहा है वो हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन जब x belongs to 0 open है और 2 closed है, और एक केस में हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स जब x दिया हुआ है माइनस टू से 0 का इंटरसेक्शन लेना है माइनस वन से 2 में, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो x belongs to माइनस वन टू 0 both closed। अब फाइनली हम f of gx डिफाइन करते हैं, फाइनली हमारा f of gx हम डिफाइन कर चुके हैं, एक हमारा f of gx आ चुका है, ये f of gx हमारा एक आ गया है x plus 1 for x belongs to minus 2 से minus 1. So we can make it in a square box. That yeah. Yes. This is first part of f of gx for x belongs to minus 2 to minus 1. Right. These both are the, this is the second part of f of gx. And this is also f of gx. This is the third part. So we have three f of g of x in three different intervals, yeah, right?
ये फाइनली एफ ऑफ जी एक्स का एक्सप्रेशन आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में पूछा हुआ. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर फंक्शन व्हिच इज गिवन टू यू व्हिच इज नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ मॉड और इन एनी अदर फॉर्म व्हिच वुड रिक्वायर यू टू डिवाइड द सेगमेंट राइट, तो उसमें हम उसको अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड करके देखेंगे कि वो फंक्शन किस तरह बिहेव करेगा और उसको उस तरीके से सिंप्लीफाई करके फिर हम उसको जो भी अगर आगे ऑपरेशंस करना है हम उस पर करेंगे. ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9.